नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं हरदा विस्फोट मामले में बड़ी अपडेट के साथ, जहां पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। विस्फोट में घायल 8 साल की मासूम ने भी दम तोड़ दिया है। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में ये मासूम गंभीर रूप से घायल था। विस्फोट में घायल 8 साल के मासूम की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल था यह विस्फोट में। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मरने वालों के जो आंकड़े में इजाफा हुआ है। यह भयंकर विस्फोट हुआ था हरदा में, जिसके बाद अब लगातार दबिश दी जा रही है प्रशासन की ओर से, और एक के बाद एक कड़ी जोड़कर इस पूरे मामले में आए दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। किस तरीके से वहां हर घर में ही इस तरह से मौत का कारोबार चलाया जा रहा था। बम बनाने की व्यवस्था की गई थी, और वो भी चंद पैसों में। तो रेलवे ट्रैक किनारे ही हरदा में बम का जखीरा मिला है। ट्रैक किनारे मिला है सुतली बम का जखीरा। 70 से 75 बोरियों में यहां ये सुतली बम भरे हुए थे। हादसे के बाद जगह जगह पटाखे मिल रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद अब जगह जगह यहां पटाखे मिल रहे हैं, और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग डर के मारे, प्रशासन की सख्ती के मारे, यहां पटाखों को छोड़कर, सुतली बम को छोड़कर चले जा रहे हैं। पटाखे की जानकारी वो है, हमने सिविल थाने वाले बता पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने किया। हम मेरे को अभी जानकारी लगी है केवल। क्या जानकारी लगी थी आपको? कि कुछ पटाखे मतलब रेलवे ट्रैक उधर कुलरदा के उधर कहीं कुछ मिला है, तो उन्होंने कार्रवाई कर ली है। तो हरदा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के मामले में पटाखा फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों ने हंगामा किया है। घरों के पास जो गड्ढे खोदे गए हैं उनको लेकर यहां रहने वाले लोग भड़क गए हैं। गड्ढे में बारूद या शव दफनाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि गड्ढों में कुछ देख नहीं सकते हैं। सख्ती के साथ पुलिस ने यहां लोगों की एंट्री बंद कर दी है, लेकिन लोगों को शक है कि इन गड्ढों में या तो लोगों का जो शव है लोगों के उन्हें दफनाया जा रहा है, या फिर गड्ढों में बम भरे जा रहे हैं। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि वो गड्ढों में कुछ देख नहीं सकते हैं। पुलिस ने सख्ती की हुई है, लोगों की एंट्री बंद की हुई है, और ऐसे में यहाँ ये लोग बेहद गुस्से में हैं। कुछ गाड़ेंगे, कुछ गाड़ेंगे, कि तो फटाका हो या बारूद हो या इंसान हो, कुछ भी हो, तीन सामान से कुछ भी होगा। उससे क्या है, तीन सामान होगा, बारूद, फटाके, नहीं तो इंसान। क्या बता, बारूद रहेगा हमारे घर? अगर बारूद पे कुछ भविष्य में हमने उसमें मकान बनाया, प्लाट कुछ करा, तो उसके बाद में विस्फोट हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो हमारे पास पूरा वीडियो है उनका। तो हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हादसे के बाद अलग अलग जिलों में प्रशासन अवैध पटाखा भंडारण को लेकर कार्रवाई कर रहा है। इंदौर की बात करें तो वहां प्रशासन की टीम ने 24 से ज्यादा दुकान, फैक्ट्री और गोदामों को सील किया है। सील किए संस्थानों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि जिन संस्थानों में सुधार की गुंजाइश होगी वो मौका उन्हें दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान पटाखे की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। तो हमारे पास में आंकड़ा आया था, लगभग 24 के आसपास हम लोगों ने फैसिलिटी सील करी थी, जिनमें फैक्ट्री भी शामिल थे और गोडाउन भी शामिल थे। लेकिन कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं और पुलिस अधिकारी हैं, उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सीलिंग के अलावा हम लोगों को अगर लगता है कि वहाँ पर सुधार का कोई कार्य नहीं हो पाएगा फैक्ट्री में या गोडाउन में, तो उसका लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई करनी है। और अगर हमें लगता है कि वहाँ पर सुधार का कार्य कराया जा सकता है, तो केवल और केवल सुधार के कार्य करने के लिए उनको संबंधित जो ओनर है उसको छूट प्रदान करी जाए,